परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। कि बहुत सारे स्थानक वासी लोगों को मिथ्यात्व की सोगन कराई जाती है, मिथ्यात्व के पचकान, और मिथ्यात्व के पचकान ये कहते हुए कराए जाते हैं कि तुम मंदिर में नहीं जाना, प्रतिमा जी को हाथ में जोड़ना, क्योंकि मूर्ति को हाथ जोड़ोगे तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा। और कई सारे मंदिर मार्गी होते हैं, वो मंदिरों में बहुत आडंबर करते हैं, चावलों को बिखेरना, फूलों को चढ़ाना, आंगी रचाना, बोलियां बोलना, बहुत सारे उनके अपने आडंबर होते हैं। तो हमें ये समझ नहीं आता कि मिथ्यात्व क्या है, सही रास्ता क्या है। ठीक है, पहली बात एक समझ लो, मिथ्यात्व किसी क्रिया में नहीं है, मिथ्यात्व हमारी समझ की अशुद्धि का नाम है। मिथ्यात्व मतलब रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, और रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आप वस्तु तत्व को जो जैसी है उसको वैसा नहीं देख करके अपने मन की कल्पना के अनुरूप देख रहे। ठीक है, अब स्थानकवासी को सिखा दिया गया मूर्ति, मूर्ति तो पत्थर की है, इसमें भगवान कहाँ हुआ? और इस कारण से तुम अगर मूर्ति को प्रणाम करते हो भगवान मान करके, तो तुम्हें मिथ्यात्व का दोष लगता है। मंदिर मार्गी को क्या सिखाया गया? ये तो भगवान है, इनको नलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ, ये रचाओ वो रचाओ, इनके आगे बहुत सारे चावल चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ। अब प्रश्न पैदा होता है आखिर दोनों में से क्या मिथ्यात्व है? मिथ्यात्व वो दोनों नहीं, मिथ्यात्व व्यक्ति का अपना सोच भाव अवस्था है। कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, उसके भीतर भगवान की प्रतिमा को देखकर भगवान के जैसा भाव जागा, और भाव में आकर के उसने अपने पास जो कुछ था वो अर्पित किया, जो था भावों से अर्पित किया, तो वो भाव और द्रव्य पूजा कहीं मिथ्यात्व नहीं। लेकिन उसने इसलिए अर्पित किया कि मुझे आज सर्वश्रेष्ठ आंगी रचवानी है, मुझे आज बोली लेनी लेनी है, आज चढ़ावा मेरी तरफ से अच्छा वाला होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि आज फला सेठ मंदिर में पूजा करने आया। अब उसका ईगो वहां पर है, प्रदर्शन की भावना अंदर चल रही है, तो उसकी वो भावनाएं उसको वो ही फल देगा, अहंकार को बढ़ाएगा, पाप कर्म को बढ़ाएगा, और उसका उसको अपोजिट फल मिलेगा। जितना अहंकार कर रहा है उतना ही वो वापस नीचे स्थानों पर चला जाएगा। लेकिन अगर कोई स्थानकवासी ये सोच के जाए कि भगवान थोड़ी है, तो वो बहुत सारे लोगों की भावनाओं को आहत करता है, और मंदिर में जाके हाथ नहीं जोड़ना, और मैं कैसे हाथ जोड़ गई, भगवान थोड़ी पत्थर है, तो मिट्टी है, तो ये है, तो भी वो गलत सोच रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान तो भावों में होते हैं, वो पत्थर में थोड़ी होते हैं। और भाव है तो प्रतिमा सामने हो या ना हो, सर्वत्र प्रतिमा है। जब हम कहते तुम अपने भावों में भी कल्पनाओं में भी भगवान को लाओ, तो भी वो प्रतिमा ही तो लाए ना, कल्पना भी एक प्रतिमा ही तो है। जब हमने शास्त्र और सूत्रों को कहा कि भगवान की वाणी है, इसका आदर करो, उसको जमीन पे मत रखो, वो भी तो एक प्रतिमा ही है, वो शब्द रूप प्रतिमा है, वो चित्र रूप प्रतिमा है। हम लोग स्थानकवासी शब्द रूप प्रतिमा का तो आदर करते हैं, और चित्र रूप प्रतिमा को मिथ्यात्व बताते हैं। ऐसा कैसे? क्या कोई व्यक्ति शास्त्र की किताब पे पैर रखेगा क्या? सिर टिका के सोएगा क्या? उसको अस्वस्थ करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र को भगवान की वाणी मानता है, जो कि शास्त्र भी तो पुद्गल पिंड है ना, किताब ही तो है, प्रिंटिंग प्रेस में छपी है, और छपते वक्त बाइंडिंग भी होगी, और बाइंडिंग होते वक्त वो जो काम करने वाले लोग थे उसके ऊपर बैठे भी होंगे। जिस दिन पेपर जीर्ण हो जाएगा उस दिन वो बेच भी दिया जाएगा, तब भी हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमें ज्ञान देने के लिए एक माध्यम है। तो प्रतिमा क्यों नहीं? ये भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल है, दोनों में ही काम तो हमारा भाव ही कर रहा है ना, तो हमारे भावों में विवेक क्यों ना जगाए हम? और फिर प्रतिमा में तो प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है। प्राण का मतलब ये नहीं है कि हम उसको चेतन बनाते हैं, प्राण का मतलब है हम अपने भाव उसमें भरते हैं, और मंत्रों के द्वारा हम उसके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी को जेनरेट कर देते हैं कि वो प्रतिमा की आकृति उस एनर्जी से एनर्जाइज होकर के साथ में बैठने वाले साधक को, जिस पे ध्यान लगाएगा, उसको भी वो एनर्जी देगी। उसकी एक अपनी पूरी साइंस है, तो उसको मिथ्यात्व कहना कैसे उचित हो सकता है? कैसे उचित हो सकता है?
इसलिए हमारे हिसाब से किसी स्थान को मिथ्यात्व मत कहो, किसी गतिविधि को मिथ्यात्व मत कहो। मिथ्यात्व एक व्यक्ति की अपनी स्थिति होती है। पूजा गलत नहीं है, लेकिन पूजा में अगर आडंबर की भावना है उस व्यक्ति को खुद को संभलना चाहिए और गुरु लोगों को ज्ञान देना चाहिए कि भैया तुम बिना आडंबर के पूजा करो, तुम्हारे पूजा के सरल भावों से पूजा करो। अब आपको किसी के प्रति प्रेम आया और आपने उठा करके उसको एक फूल दिया, आपका भाव हुआ कि मैं उसको प्रेम करता हूं और एक फूल उसको गिफ्ट करता हूं, अपने भावों को अपने फूल के रूप में व्यक्त किया, वहां कोई मिथ्यात्व नहीं, कोई दोष नहीं, क्योंकि जैसा भाव था वैसा किया। लेकिन आपने इसलिए फूल दिया क्योंकि सारे लोग फूल दे रहे हैं, इसलिए मुझे भी फूल खरीदना चाहिए, फूल देना चाहिए। अब क्या हुआ, हमारे भावों में सरलता नहीं रही, हमारे भाव अंधानुकरण एक परिपाटी को फॉलो कर रहे हैं, या फिर हमारे भावों में प्रदर्शन आ गया। तो अब वो क्रिया जो है वो क्रिया हमें आनंद नहीं दे रही है, हमें बोधि नहीं दे रही, हमारे भीतर सरलता नहीं है, तो वो क्रिया हमारे लिए चेक करने का विषय है। हम वापस चेक करें हम ऐसा क्यों करें। पर अक्सर होता क्या है, हम सारे लोग जो भी क्रिया कर रहे हैं, जागृत क्रिया कर रहे हैं या ट्रेडिशनल औपचारिक कैसी क्रिया कर रहे हैं, तो मुख्य बात खुद को जगाने की है। खुद को जगाओ, उसके बाद आप अपनी क्रिया के खुद साक्षी बनोगे, अपनी क्रिया को खुद वॉच कर पाओगे कि मेरी ये क्रिया क्या है, वो मेरे समझ से निकली है, दबाव से निकली है, लोभ से निकली है, अहंकार से निकली है, किस वजह से निकली है। तो समझ की अशुद्धि का नाम मिथ्यात्व है, ना स्थानकवासी ना मूर्ति पूजक, दोनों में से मिथ्यात्व का संबंध स्थान से, क्षेत्र से या पूजा विधि से नहीं है। हर चीज की पूजा विधि अलग अलग है। जैसे अपन स्थानक में आते हैं, अब बाहर तक आप जूते ला सकते हो, अंदर लाओ तो हम गलत मानते हैं, ठीक है। अब एक सवाल पैदा होता है, ऐसा क्यों भैया, जमीन तो वो भी है, जमीन तो ये भी है। अभी तर्क ही करना है तो सारा तर्क करो ना, अगर तर्कों पे उलझना है तुमको और ये लगता है कि वो पत्थर है, मूर्ति पत्थर है, तो भाई ये भी तो पत्थर है, बाहर भी पत्थर है, बाहर तक तुम जूते ला सकते हो, अंदर क्यों नहीं लाते, फिर लाएंगे क्या, कोई साधु बोलेगा क्या तुम अंदर जूते लाओ, बोलेगा क्या, क्या बोलेगा साधु, पवित्र स्थल है यहाँ जूते मत लाओ, गुरु महाराज के सामने जूते मत लाओ। आप बोलोगे यार पैर लेके आ रहा हूं आपके सामने तो जूते लाने में क्या दिक्कत है, तब तो करो तर्क पे तर्क करो, नहीं। लेकिन ये विषय आस्था के होते हैं, इन पे तर्क काम नहीं करेगा। अगर किसी की आस्था है कि उसको प्रतिमा को देख के भक्ति आती है, तो उसको कैसे मिथ्यात्व कह दोगे, कहने वाले को ऐसा कहना नहीं कलपता। और किसी अन्य को मिथ्यात्व ठहराना या किसी को मिथ्यात्व का पचकाण कराते हुए ये कहना कि मंदिर में जाए तो मिथ्यात्व का पाप इसलिए पचकाण कर, ऐसा कहने वाला तो कट्टरता ही पैदा कर रहा है, धर्मांधता ही ला रहा है, वो किसी व्यक्ति को समझ नहीं दे रहा, खाली भेड़ चाल चलाना चाहता है और मैं जो कर रहा हूं बस मेरे को ही फॉलो करो ऐसा करवाना चाह रहा है। फिर तो सो मेनी लॉजिक्स ना, स्थानकवासी साधु से फिर सवाल करो कि फिर महाराज साहब जब आप पंखे के नीचे बैठे और मुंह पति बांध रहे हो तो इसका प्रयोजन क्या बचा, सवाल है। फिर तो तर्क करना तो पूरा तर्क करो, और जिसको मौन में बैठा है उसको मुंह पति बांधने से क्या प्रयोजन हुआ, हाँ वो क्या कहेंगे, देई जी हमारी परंपरा है, हमारी मान्यता है, हमारा ये है वो है, तो ठीक है उनकी भी अपनी परंपरा है। इसीलिए तथ्यों को जानो, नो द फैक्ट्स। मूर्ति पूजा का अपना एक साइंस है, शास्त्र पूजा का अपना एक साइंस है, पांचों अभिगम का अपना एक विज्ञान है। सूत्रों में लिखा है पांच प्रकार के अभिगम होते हैं, सचित त्याग, अचित विवेक, उत्तरासन, कर जोड़, इन सबका अपना एक विज्ञान है। तो किसी को मिथ्यात्व ठहराना और मिथ्यात्व के पचकान देने से कोई मिथ्यात्व खत्म हो जाता है, तब तो मतलब सबने गारंटी ले ली स्थानकवासियों ने कि स्थानकवासी ने एक मंदिर जाना त्याग कर दिया तो सब संकित हो गए, व्हाट नॉनसेंस। और ऐसी नॉनसेंस चलाया जा रहा है और हम पढ़े लिखे लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, हैरानी होती कई बार, क्योंकि हमारे पास बुद्धि नहीं है, या पाठ पे बैठ के जो आदमी जो बोलता है हम चुपचाप आंखें बंद करके मान ले उनको, वो आदमी आदमी को बांट रहे हैं, जेनी जेनी को बांट रहे हैं,
और इंसान को इंसान से जोड़ते, सबकी अपनी अपनी आस्था के विषय, कोई कैसी पूजा करे, कोई कैसी करे। और वो कहानियां सच्ची है, घटनाएं हैं, जिन्होंने शालिग्राम के अंदर देवता को प्रकट करवाया, जिन्होंने मूर्ति के अंदर कई सारे चमत्कार अतिशय प्रकट करवाए, वो सच्ची कहानियां है। पत्थर भी अपनी आकृति बदल देते हैं चेतना के भावों से। अरे संगीतकार जानते हैं, एक अच्छे संगीतकार होते हैं, वो ऐसा म्यूजिक बजाते हैं कि बारिश हो जाती है, मेघ मल्हार बोलते हैं उस राग को। वो ऐसा म्यूजिक बजाते हैं कि बुझा हुआ दीपक हो तो जल उठता है बिना जोत जगाए। अरे संगीत के प्रभाव से एक दीपक बुझा हुआ जल सकता है, तो क्या भावना के प्रभाव से उस मूर्ति के अंदर से आप अपने भीतर के प्राणों को फूंक करके अपने ही प्राणों को ऊपर नहीं उठा सकते? कितनी तरह की साइंस है, पर जो लोग पूरी साइंस को नहीं जानते वो हर किसी चीज को मिथ्यात्व ठहरा देते और फिर दूसरे लोगों को बरगलाते और भेदभाव डलवाते। और बड़ी गजब की बात, ऐसे लोगों के जो मंदिर जाने का त्याग करवाते स्थानकवासी साधु स्थानकवासियों को, अगर उनके यहाँ कोई मंदिर वार की लोग आने लग जाए ना प्रवचन सुनने के लिए, तो बड़ा कॉलर ऊपर करके कहते हैं हमारे यहाँ तो जी सारे लोग आते हैं, मंदिर वार की भी आते हैं व्याख्यान सुनने के लिए, फिर घमंड किस बात का कर रहे हो? अच्छा मंदिर मार्गी कहने लगे स्थानक में पैर रखो तो मिथ्यात्व, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे भैया? और वो जमाना था जब आप कहते थे कि प्रतिमा है, निर्जीव है, ये वो। आज कौन से स्थानकवासी साधु है, मूर्ति पूजक साधु जिनकी फोटोज नहीं बनती? भाई पहले पत्थर पे मूर्ति थी, अभी कागज पे है, ये फोटो नहीं लगी हुई दोनों ओर? अगर आप ऐसे स्थानकवासी हो तो फोटो कैसे लगा सकते हो, सोचो। और कौन से स्थानकवासी के घर में अपने अपने गुरुओं की फोटो नहीं लगी हुई है? तो ये पुराने भेद थे, छोड़ो। हम में से किसी को ना स्थानकवासी बनना चाहिए ना मूर्ति पूजक बनना चाहिए। हमको जैसा भाव उठे, जैसी समझ आए, उस समझ की शुद्धि के लिए ज्ञान पाओ, और उसके बाद में जैसा आपका ज्ञान सहित भाव उठे वैसे आचरण करो, अपना विवेक पूर्वक आचरण करो। ये ब्लाइंडली फॉलो करने का जमाना अब हमें छोड़ देना चाहिए। हम बाकी सब क्षेत्रों में पढ़े लिखे हैं तो धर्म के क्षेत्र में हम लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं? हर क्षेत्र में हम रिसर्च कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हो, चार्टर्ड बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, डॉक्टर्स बन सकते हो, यहां आकर के क्या हो जाता है सबको? इसलिए सवाल उठाओ, पूछो, खुद से जानो, हर एक चीज की साइंस समझो। समझ नहीं आता मंदिर में चावल क्यों बिखेरते हैं तो पूछो उनसे जाकर के, ये चावल क्यों बिखेरते हैं आप, वो बताएंगे आपको। और एज ए स्टूडेंट जाके पूछो, एज ए रिसर्चर जाके पूछो, हर चीज के बारे में जानकारी लो। ब्लाइंडली करो मत, पहले जानकारी लो कि आप चावल क्यों उछालते हो, हमें बताइए। हाँ वो साइंस दे, कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे। एक जगह से ना मिले 10 जगह पूछिए, कहीं ना कहीं तो आंसर मिलेगा। और ना मिले तो फिर अपने गहरे ध्यान में जाके ऊपर से पूछिए, आपका अचेतन मन आपको जवाब देगा। और आपके गहरी श्रद्धा होगी, गहरा प्रश्न होगा, तो कोई ना कोई साधु मिलेगा, कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा, कोई ना कोई अनुभवी मिलेगा, जरूरी नहीं वो साधु वेश में हो, जो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देगा कि चावल पैरों में क्यों आते, वो बताएंगे ये हमारा अभिनय है, ये हमारी अतिवादिता है। चावल उछालना एक बात थी और अति है कि पैरों तक वो आ रहे, अव्यवस्था फैला रहे। ऐसी बहुत सी चीजें, केवल इस मंदिर मार्ग की कोई मत पकड़ो, हमारे में भी है और हर एक गच्छ में है, हर एक पंथ में। अगर विवेक रहित कार्य करेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, विवेक युक्त करेंगे तो हम हर चीज के प्रति होश पूर्वक चलेंगे। और होश पूर्वक जियो तो आप संकेत को उपलब्ध होंगे। और आदतन कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, परिपाटीवश कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, मूर्छावश चले चलाए भेड़ चाल में क्यों ना चल रहे हो, वहां कहां संकेत? बड़ा आसान हो गया, यहां तो किसी को गाली देना हो बोल दो मिथ्यात्व जी। पहले जमाने में किसी को गाली देनी होती तो बोलते ये नास्तिक है, वह नास्तिक बोलने ही अगले आदमी को एकदम बिरादरी से बाहर कर देना था कि भाई ये तो नास्तिक है। और अभी क्या हो गया, एक नया वर्ड शास्त्रों का हम उठा के ले आए, ये तो मिथ्यात्व है। जैसे हम सब ने पट्टा ले रखा है संकेत का और औरों को मिथ्यात्व घोषित करते रहते हैं, और कई साधु संतों ने बड़ा पट्टा ले रखा है, दूसरों को बताते रहते हैं ये करोगे नरक में जाओगे। अभी तुम्हें पता है पक्का नरक में जाएगा वो, लेकिन बस स्टेटमेंट दे डालते जैसे कि उनको भगवान ने ऑथराइज कर दिया हो
कि तुम बोलो लोगों को किसको नरक में जाना किसको स्वर्ग में जाना। ये क्या चला रखा है हमने साधु संतों ने और हम सारे जैन समाज के लोग। और ये कारण है नई पीढ़ी नहीं आना पसंद करती, कहती तुम ही जाओ तुम्हारी बातें तुम्हें समझ में आएगी। उनको समझ ही नहीं आता कि कोई धर्म कर रहा है उसको मिथ्यात्म घोषित कर रहा है, कोई अपने सहृदय भावों से कुछ भी कर रहा है और आप आकर के उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो। हाँ, आप करने से पहले जानो इतना ही है, नकारो मत, बिना जाने नकारो मत और बिना जाने ब्लाइंडली फॉलो भी मत करो। अगर ज्ञान को उपलब्ध होना है, सम्यक्त्व को उपलब्ध होना है, तो आप जानो, मात्र जानो, निरपेक्ष होकर जानो, न्यूट्रल अनबायस्ड होकर के जानो, ना स्थानकवासी बनकर के जानो ना मंदी मार्ग होकर जानो। बल्कि हमारे विराट गुरुजी ने जब हमें ज्ञान देना स्टार्ट किया, हमें एक बात कही कि जैन सूत्रों को पढ़ो, जैन साध्वी बनकर के मत पढ़ना। अगर आप पहले से जैनी होकर के जैनों को पढ़ोगे तो आपको लगेगा मेरे यहां तो हर बात सच्ची है, फिर तुम कभी क्वेश्चन उठा ही नहीं सकोगे। जो किताबों में लिखा है तुम उनको पहले ही बाहर होकर के मान लोगे तो तुम्हें सत्य कैसे उपलब्ध होगा। और ये कारण है कि जैनी लोगों के पास में जैन दर्शन की सही नॉलेज ही नहीं है, बहुत थोड़े लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, सब लोग बायस्ड है। कोई स्थानकवासी की मान्यताओं से, कोई मंदिर मार्ग की, कोई दिगंबर की, कोई तेरह पंथी की, कोई बीस पंथी की, कोई बाईस पंथी की, ना जाने कितने सारे पंथों की, सब लोग बायस्ड है। और फिर कोई लोग सोचते कौन मगजमारी करे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो ना, हमें तो इतना सा करना है, आठ दिन तो करना है, कौन दिमाग लगा। हाँ, ये गुरु महाराज साहब आ गए तो उनको चेहरा दिखाने के लिए तो जाना है, और वो चेहरा दिखा के आ जाएंगे, एक व्याख्यान सुन के आ जाएंगे, महाराज साहब भी खुश, हमारा भी पुण्य हो जाएगा। बस लोग इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या, और हमारे यहाँ वे नहीं दिखाया जा रहा कि तुम खुद चलो, हमारे यहाँ बस थोपा जा रहा है। और ये चीजें हमारे भीतर जड़ता लाती है, मूर्छा लाती है, आडंबर लाती है, और वो चाहे किसी रूप में आए, हम दिखावा करें तो भी आडंबर है, और हमने भीतर जड़ हो जाए वो भी आडंबर ही है ना, दूसरा रूप है उसका, विकृत रूप है उसका। तो चेते हम बचे इन सब से, मिथ्यात्व किसी क्रिया की नाम नहीं है, मिथ्यात्व अंदर की समझ का नाम है। समझ अशुद्ध है तो मिथ्यात्व, कल्पित है, आरोपित है, अंध है, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो मिथ्यात्व है। और हम अपनी समझ को ज्ञान से ही शुद्ध कर सकते हैं, इसलिए ज्ञान पाने के लिए अनबायस्ड बनो, अनकंडीशनल बनो। जय हो। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।